हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूं मोहम्मद रिजवान स्टार बैट्समैन के होम टूर पर। अब जैसे वो लाइफ गुजारते हैं उसका और उनके पास क्या है क्या नहीं है, चलिए बिना देरी के इसमें देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। क्रिकेटर्स का घर भी अलग होता है, सारी यादें ट्रॉफीज उनकी लाइफ। जिम भी है भाई, नसरीन इस वक्त एक बल्लेबाज पूरी दुनिया में छाया हुआ है, पूरी कौम का वो फ़ख्र बना हुआ है और एक वक्त में उसे टेस्ट का प्लेयर कहा जाता था, लेकिन आज उसने दुनिया का जो बेहतरीन बल्लेबाज है T20 का विराट कोहली, उसको भी रिप्लेस किया है। जी हाँ, मैं मोहम्मद रिजवान की बात कर रहा हूँ। नसरीन, मैं लाहौर से खसूसी तौर पर पेशावर आया हूँ और आज मैं बहुत ही खसूसी तौर पर पहली बार हमारे सुपरस्टार क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान का घर आपको दिखाऊंगा। एक ऐसा लड़का जिसके पास अपनी किट पूरी करने के पैसे नहीं होते थे, कभी घर से उन्होंने टीवी बेचा ताकि वो अपनी किट मुकम्मल कर सके। बेशुमार महरूमियों से गुजरे, बेशुमार तनकीद से गुजरे, कई नामसाद हालात उन्होंने फेस किए, लेकिन आज ना सिर्फ उन्हें शोहरत मिली है बल्कि अल्लाह ने उन्हें बेपनाह दौलत भी अता की है। तो इस वक्त मैं सुपरस्टार क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान के घर के बाहर मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे आपको मोहम्मद रिजवान का महल नुमा घर नज़र आ रहा होगा। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे क्रिकेटर हैं जो ऐसा इतना बड़ा महल नुमा और लेविश घर बना सके हैं, और स्क्रीन पर आप ये सारे मनाजिर भी देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और लग्जरी घर है। ये पेशावर में जो पेशावर गार्डन्स है, यहाँ पर ये वाकया आपसे पहले ये अंदरून पेशावर का एक इलाका है, वहाँ पर रिहायश पजीर थे, लेकिन कुछ साल पहले ये यहाँ पर रिजवान भाई शिफ्ट हुए हैं। और ये जो स्ट्रीट है जिस गली में रिजवान भाई का घर है, इसे भी रिजवान स्ट्रीट के नाम से मंसूब किया गया, यानी ये भी बहुत कम हुआ है कि किसी क्रिकेटर के नाम से वो स्ट्रीट मशहूर हो। तो इस स्ट्रीट में यहाँ पर रिजवान साहब का घर है, इसे रिजवान स्ट्रीट कहते हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए, आपको अंदर से इस घर के जो खुसूसी मनाजिर हैं वो पहली बार दिखाते हैं। नाज़रीन, तो इस वक्त मैं पार्किंग में मौजूद हूँ। माशाल्लाह, ये जितना बड़ा घर है उतनी बड़ी इसकी पार्किंग है। इस पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह है और यहाँ पर फ़िलहाल जो मोहम्मद रिजवान की गाड़ी है सिविक, वो यहाँ पर मौजूद है, जिसके पीछे आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB भी नज़र आ रहा है। तो अभी रिजवान भाई के जो ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी है वो ये सिविक है जिसमें वो सफ़र करते हैं, और ये अभी तक गैराज में खड़ी है। बाकी ये अगर आप देखें तो बहुत बड़ी जगह है गैराज की, गैराज स्पेस अच्छा है। यहाँ से जब आप अंदर आते हैं तो राइट साइड पे एक बड़ा गार्डन है, ब्लैक शीशों वाली गाड़ी बैठते हैं, और ये मतलब काफ़ी बड़ा गार्डन है। साइड पे ग्रीनरी वगैरह भी लगाई गई है, और यहाँ पर मतलब ये इतना बड़ा घर है कि इसमें इतना बड़ा गार्डन भी है। अमूमी तौर पर हमारे जो सेलेब्रिटीज़ हैं उनकी बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, लेकिन क्यों मोहम्मद रिजवान भाई ने अपनी चाहतों और ख्वाहिश के मुताबिक ये एक लेविश घर जो है वो तामीर करवाया। यहाँ से जब आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये इसके ये आपको तस्वीरें नज़र आ रही होंगी, ये छोटे भाई हैं मोहम्मद रिजवान के, मोहम्मद अब्बास इनके ऊपर लिखा हुआ है, उसके आगे सल्यूट करते हुए मोहम्मद रिजवान आपको नज़र आ रहे हैं, और उसके आगे ये खाली है। ये खाली क्यों है? अच्छा, ये मौलाना साहब का, लेकिन
ये अभी तक खाली है। तो यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं तो नीचे बेसमेंट में एक बड़ी ख़ास चीज़, और ख़ास चीज़ है एक गैलरी। रिजवान साहब ने नीचे एक बड़ी ख़ास गैलरी बनवा रखी है जहाँ पर उनकी जितनी भी ट्रॉफीज़ हैं या जितनी भी तस्वीर हैं वो वहाँ पर बनाई गई हैं। यानी जो ड्राइंग रूम है वो उससे अलग है, लेकिन एक ख़ास गैलरी यहाँ बेसमेंट में बनाई गई है। चलिए आपको पहली बार खुसूसी तौर पर उस गैलरी के मनाजर दिखा दूँ। अब आपको खुसूसी तौर पर गैलरी के मनाजर दिखाते हैं। तो इस वक्त हम घर के सबसे ख़ास हिस्से में मौजूद हैं। ये एक गैलरी बनाई गई है बड़े खसूसी तौर पर, और इस गैलरी में सिर्फ़ और सिर्फ़ रिजवान भाई की तस्वीरें हैं, पिक्चर वॉल बनाई गई है, और इसके अलावा जितनी भी ट्रॉफीज़ यहाँ पर मिली हैं रिजवान भाई को वो सारी यहाँ पर अवेज़ा की गई हैं। सबसे पहले मैं आपको ये पिक्चर वॉल दिखाना चाहूँगा। ये पिक्चर वॉल है जिस पर मुख्तलिफ़ जो हैं वो तस्वीरें लगी हुई, मुल्तान सुल्तान की ये टीम के साथ, मुल्तान सुल्तान की तस्वीरें, फिर ये शाहिनशाह अफरीदी के साथ टेस्ट की, और फिर ये गालबन उन्होंने एडिट बाय हफीज़ अजीज़, ये शायद सेंचुरी उन्होंने किया, फिर केन विलियमसन जो न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं उनके साथ ये टेस्ट सीरीज़ की ये एक तस्वीर है, और फिर इसी तरह ये दीगर तस्वीरें हैं, ये बाबर आजम के साथ, और ये वाघा बॉर्डर की एक तस्वीर है, ये मुल्तान सुल्तान की जब उन्होंने ट्रॉफ़ी जीती, पहली बार वो इसका हिस्सा बने, कैप्टन बने और पहली बार उन्होंने ये ट्रॉफ़ी जीती। इसके अलावा ये चैम्पियंस की तस्वीर लगी हुई है जिसमें इमरान ताहिर और बाकी सारे जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, और कप्तान मोहम्मद रिजवान भी हैं। तो ये पिक्चर वॉल है नाज़रीन। इसके अलावा अब मैं आपको ट्रॉफीज़ दिखाता हूँ। ट्रॉफीज़ बेशुमार ट्रॉफीज़ हैं, ये अचीवमेंट्स हैं उनके, कहाँ कहाँ क्या क्या अच्छा परफॉर्मेंस हासिल किए हैं, उनको सबको यहाँ पर लगाया गया। तो इनमें से मैं कोशिश करता हूँ जो ख़ास ख़ास हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। एक बहुत बड़ी बीच वाली, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की प्लेयर ऑफ द सीरीज़ ये ट्रॉफी है, फिर पाक वर्सेस जिम्बाब्वे T20 कप 2021 प्लेयर ऑफ द मैच, वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ या प्लेयर ऑफ द मैच, फिर ये साउथ अफ्रीका के साथ 2021 में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़, और उसके अलावा ये मैन ऑफ द सीरीज़ क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान, ये 2020 ट्रॉफी है। इसी तरह ये नेशनल T20 कप के जो विनर थे 2020-21 में, ये ट्रॉफी है उसकी, और इसके अलावा ये प्लेयर ऑफ द मैच पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका अप्रैल 2021, नीचे मैन ऑफ द मैच, और ये पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे T20 कप 2021, ये उसके विनर की ट्रॉफी है। इसी तरह PCB की जानब से ये ट्रॉफी है बेस्ट कीपर की, और इसके अलावा नेशनल T20 कप बेस्ट कीपर, बेस्ट फील्डिंग साइड यानी बेस्ट कीपर, बेस्ट फील्डिंग साइड, और इसी तरह ये PCB की एक और ट्रॉफी है मैन ऑफ द मैच, ये नेशनल जो कप हुआ है 2020-21 में उसकी ट्रॉफी है। नीचे ये बॉल्स पड़ी हुई हैं, काफ़ी सारी बॉल्स हैं, और कुछ कुछ मैचेस खेले हुई एग्जीबिशन की गई है। उसके अलावा यहाँ अगर इस तरफ आ जाएं तो मोहम्मद रिजवान की ये शर्ट 16 नंबर, और इसके नीचे भी काफ़ी सारी ट्रॉफीज़ हैं। ये एक बड़ी ख़ास चीज़ पड़ी है इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट पिशावर और इमरान खान की, इसमें जो है वो तस्वीर भी लगी हुई। इसके अलावा ये NBP नेशनल बैंक ऑफ पंजाब, और ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स की ट्रॉफीज़, और ये सबसे बड़ी तस्वीर है जो यहाँ पर लगाई गई है मोहम्मद रिजवान की। गालबन उन्होंने सेंचुरी की थी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, नीचे लिखा भी हुआ है सेकंड टेस्ट ब्रिस्बेन ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया, ये उन्होंने सेंचुरी की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अच्छा। तो ये सबसे बड़ी तस्वीर जो है यहाँ पर लगाई गई है। उसके अलावा अगर आप इस तरफ आ जाएँ तो ये नाज़रीन काफ़ी सारे मेडल्स हैं जो यहाँ पर रखे गए हैं, ये पाकिस्तान की कैप, और फिर ऊपर मैन ऑफ द मैच सेकेंड टेस्ट टूर ऑफ इंग्लैंड मैनचेस्टर ग्राउंड अजहर के साथ तस्वीर है, अजहर अली के साथ, फिर ये बड़ी खास एक ट्रॉफी है ओडीआई इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका वर्सेस क्रिकेटर के पास ऐसी होती होंगी, प्लेयर ऑफ द मैच और सॉरी प्लेयर ऑफ द सीरीज, उसके नीचे सीरीज विनर की ट्रॉफी यहाँ पर रखी गई, ग्लव्स रखे गए हैं, और प्लेयर ऑफ द मैच की एक और ट्रॉफी है।
इस तरह नाजरीन बेशुमार ट्रॉफीज हैं, इतने प्लेयर ऑफ द मैच, इतने प्लेयर ऑफ द सीरीज। इस दफा अभी जो उन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है कि कैलेंडर ईयर में तारीख में सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं, तो इस तरह ये बेशुमार ट्रॉफीज हैं जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं। ये ऊपर ये शर्ट आप देखें 16 नंबर मोहम्मद रिजवान की ओडीआई की, फिर दरमियान में ये मोहम्मद या फिर वनडे में ये चलती है, मतलब टी20 में। ये बड़ी खास एक शर्ट है जिसमें बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं उनके साइन किए हुए, मोहम्मद अब्बास है, सुहेल खान है, इमामुल हक, मिसबाउल हक, वकार यूनस, शाहीन अफरीदी, आबिद अली, मुश्ताक अहमद, यूनस खान, नसीम शाह, शादाब खान, इमरान खान, बाबर आजम और ऊपर भी अजहर अली, सरफराज इमरान खान का भी और फवाद आलम, ये जितनी भी हमारी टीम है उन सब से सिग्नेचर करवा के मोहम्मद रिजवान ने ये शर्ट यहाँ पर है, इसकी एग्जीबिशन की हुई है और इसके नीचे भी काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं। तो ये नाज़रीन बाहर से भी मैंने आपको दिखाया जो लुक है, फिर जो उनकी पार्किंग है, फिर जो उनका गार्डन है और उसमें उसके अलावा ये बड़ी ख़ास एक गैलरी है, जैसे शायद अफरीदी की आपने गैलरी देखी थी या शुएब अख्तर की आपको नज़र आती है, दूसरे चंद क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इस तरह की गैलरीज बनवा रखी हैं। तो उसी तरह की एक बहुत बड़ी गैलरी मोहम्मद रिजवान ने बनवा रखी है जिसमें ट्रॉफीज़ लगाई गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी ट्रॉफीज़ आना बाकी हैं। तो ये नाज़रीन गैलरी है बड़ी ख़ास, और अब मैं आपको ड्राइंग रूम में पहली बार लिए चलता हूँ हमारे सुपरस्टार क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान की, ये डेकोरेशन के लिए ये बनाया गया है, और अब हम चलते हैं मोहम्मद रिजवान के ड्राइंग रूम की तरफ। पहली बार मैं आपको बड़ा एक्सक्लूसिवली मोहम्मद रिजवान का जो ड्राइंग रूम है वो दिखा रहा हूँ। मेरे साथ है ये एक बड़ा ही खूबसूरत सा ये हॉल है और बड़े अच्छे इसकी ये सीलिंग करवाई गई है, उसके अलावा यहाँ पर भी कुछ तस्वीरें हमें नज़र आ रही हैं। और फिर मैं ये ख़ास तौर पर दिखाना चाहूँगा ये बैट है जिसमें बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं उनके ये सिग्नेचर किए हुए हैं, फाफ डुप्लेसी और जो साउथ अफ्रीका के अभी के कैप्टन हैं उनके हैं, क्विंटन डिकॉक के हैं, और इसके अलावा जॉर्ज लिंडे और इस तरह जो बड़े बड़े हैं क्रिकेटर्स उनके जो सिग्नेचर हैं वो यहाँ पर हुए हैं, और ये बैट यहाँ पर रखा गया है। ये बेसिकली जितने भी साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर्स हैं उनके सिग्नेचर हैं, ये नीचे लिखा हुआ है साउथ अफ्रीका टूर ऑफ पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका टेस्ट टीम, तो उनके सिग्नेचर यहाँ पर करवाएंगे। तो इस तरफ ये दो और तस्वीर यहाँ पर अवेजा की गई, एक टेस्ट की है और एक ये उन्होंने बैट जो है और वो दिखा रहे हैं, तो ये तस्वीर भी यहाँ पर अवेजा है। और अब लाइटिंग सिटिंग एरिया आपको पहली बार एक्सक्लूसिवली दिखा रहा हूँ। आपको पता है कि जो यहाँ पर रिवायत है पेशावर में केपी में, तो लोग जो हैं वो नीचे बैठते हैं, शायद अफरीदी का गालबन आपने घर देखा हो तो उसमें भी इसी तरह नीचे बनाई गई है जगह, तो यहाँ पर रिवायत के मुताबिक नीचे यहाँ पर खूबसूरत सोफे लगाए गए हैं, सामने नीचे की तरफ है, तलवार भी हमें नजर आ रही है, और नीचे ये खूबसूरत एक सेटिंग की गई है, जो बेशकीमती कालीन है वो नीचे बिछाया गया है, क्लॉक भी हमें नजर आ रहा है, एसी जो है वो लगाए गए हैं, तो एक बड़ा ही खूबसूरत सा यहाँ पर ये ड्राइंग रूम है और काफी बड़ी तादाद में लोगों की यहाँ पर बैठने की जगह है, यानी अगर पूरी टीम को भी अगर इन्वाइट करना पड़ जाए तो इतनी जगह है कि सब जो है यहाँ पर इंजॉय कर सकें। तो पहली बार खसूसी तौर पर आप जो ड्राइंग रूम के मनाजर हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये किस तरह खूबसूरत सोफे यहाँ पर लगाए गए हैं, कालीन है, LED सामने लगाई गई है ताकि जब मैच देखना, वैसे उनके भाई मुझे बता रहे थे कि वो अकेले यहाँ पर इस घर में बैठ कर मैच नहीं देखते, जो उनके कज़न्स हैं जो अंदरूने पेशावर में रहते हैं उनके साथ जाते हैं, क्योंकि अब वो कहते हैं कि अकेले मैच देखना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, कि कभी हार जाएँ या जीत भी जाएँ तो वो बड़ा मुश्किल होता है ख़ुद को संभालना, इसी तरह तो वो यहाँ से जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया, और जैसे किसी सेलेब्रिटी का, किसी बड़ी सेलेब्रिटी का या किसी सुपरस्टार का ड्राइंग रूम होता है, इसी तरह से ये ड्राइंग रूम जो है वो बनाया गया। और आखिर में ये कोई सेलेब्रिटी नहीं है क्या, ये भी तो सेलेब्रिटी है भाई, साथ मोहम्मद रिजवान ने जिम भी बना रखा है, आपको पता है कि वो प्रैक्टिस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, उनके भाई मुझे बता रहे थे कि जिस दिन उनका वलीमा था उसे अगले दिन वो ग्राउंड में थे, इसके अलावा ईद के रोज़ भी वो अपनी प्रैक्टिस करना छोड़ते नहीं हैं, तो इसके लिए मोहम्मद रिजवान ने खसूसी तौर पर जिम बना रखा है। वैसे बहुत कम होता है कि क्रिकेटर ऐसे अपने घर में जिम बनाए, लेकिन एक जिम के लिए भी यहाँ पर जगह छोड़ी गई, तो पहली दफ़ा मोहम्मद रिजवान का जिम मैं आपको दिखा रहा हूँ।
स्क्रीन पर आप जिम देख लें मोहम्मद रिजवान का, हमारे सुपरस्टार क्रिकेटर, ये काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई। वैसे मुझे तो नाम नहीं आते इन चीज़ों के, लेकिन ये जो है पंच बैग है, मतलब जो वर्जिश के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से जितनी भी चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो तमाम यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और मोहम्मद रिजवान जो है जब घर पर होते हैं तो यहीं पर एक्सरसाइज करते हैं अपनी, जो है वो फिटनेस के हवाले से यहाँ पर अपना वक्त गुजारते हैं और उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। कभी कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता कि जब वो यहाँ पर ना आए, जिम ना करें और अपनी जो है वो एक्सरसाइज ना करें। तो ये काफ़ी, ये भी बड़ा एरिया है जिम के लिए, जैसे गैलरी बहुत बड़ी है, जैसे ड्राइंग रूम बहुत बड़ा है, इसी तरह ये जिम का भी काफ़ी बड़ा एरिया है जिस पर मोहम्मद रिजवान जो है वो अपना वक्त गुजारते हैं। तो ये नाज़रीन एक बड़ा खसूसी प्रोग्राम था जिसपे पहली बार मैंने आपको मोहम्मद रिजवान का घर दिखाया, उनकी गैलरी, उनका ड्राइंग रूम, उनका जिम दिखाया। तो ये नाज़रीन एक बहुत बड़ी कामयाबी है जब मैं यहाँ पर आया और मैंने सुना कि मोहम्मद रिजवान की किन मुश्किलात से गुजरे और क्या चीज़ें उन्होंने फेस की। तो ये बहुत ही गैर मामूली बात है कि इतना बड़ा महलनुमा घर बनाना, मैंने पाकिस्तान में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के आपको घर दिखाए हैं, खुद देखे भी हैं, लेकिन इतना बड़ा घर जो है वो शायद ही और किसी सेलिब्रिटी का हो, शायद अफरीदी या दो चार और लोग हो सकते हैं जिनका इतना बड़ा घर हो। तो मोहम्मद रिजवान ने इतना बड़ा घर बनाया, एक ऐसा लड़का जिसके पास अपनी किट पूरी करने के भी पैसे नहीं होते थे, आज देखें कि अल्लाह ने उन्हें किस तरह से नवाजा है, आज कितना बड़ा महलनुमा घर है और क्या क्या आसाइशें उनको मुयसर हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, फिर बात के लिए इजाजत दीजिए सब कुछ। तो स्टार क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान का होम टूर किया हमने, मतलब यहाँ बैठकर मैंने भी होम टूर कर लिया अंदर तक इस वीडियो के ज़रिए। वीडियो अच्छा था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इनकी वीडियो का। मोहम्मद रिजवान के घर की बात करो तो एक वो लड़का जिसके पास किट पूरी करने के लिए पैसे नहीं थे, वो स्ट्रगल आप सोच सकते हैं कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक स्ट्रगल स्टोरी होती है। आपको वो हंसता कामयाब चेहरा दिखता है, एक कामयाब इंसान दिखता है, उसके पीछे कहानी होती है, हर किसी की होती है, चाहे वो कितने बड़ा आदमी हो, चाहे वो अमीर क्यों ना हो, अमीरी से होकर किसी और प्लेस पर गया है वो। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं आपकी एक गरीब इंसान, मिडिल क्लास या फिर उससे नीचे का बंदा, उसके कुछ ज़्यादा स्ट्रगल्स होते हैं और रिजवान उसी में से थे जिन्होंने स्ट्रगल कर वहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ उनके घर में ऐसा घर बनाया है उन्होंने, जिसके अंदर एक सेक्शन उनकी ट्रॉफीज़ का है, एक सेक्शन उनकी तस्वीरों का है और इतना बड़ा, मतलब एक पूरे घर की बराबर तो उन्होंने अपना क्रिकेट से सब कुछ वहाँ पर लगा दिया है। एंड यादें भी बटोर कर रखी हैं उन्होंने, टी शर्ट पर साइंस पाकिस्तानी प्लेयर्स के, विदेशी प्लेयर्स के, बैट पर साइन, और इतनी सारी मैं तो देख देख कर थक गया, पता नहीं कितनी ट्रॉफीज़ होंगी। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर बंदा पूरा करियर ख़त्म कर रहा है, हो चुका है किसी का और उसका अच्छा करियर रहा है, तो उसके पास कितनी ट्रॉफीज़ होंगी भाई, दो तीन घर लेने पड़ेंगे उसे रखने के लिए, अगर इस तरीके से बनाया जाएगा रखने के लिए। तो अच्छी कार है, बड़ा स्पेस है, बड़ा घर है, और जैसा कि हमने इसमें देखा कि मोहम्मद रिजवान के बराबर शायद किसी और का घर नहीं है, मतलब इतना बड़ा घर शायद ही किसी का है, और ऐसी जो बनावट है घर की अच्छी, वो शायद ही किसी और की है, मतलब बहुत कम लोगों की है उतनी। तो ओवरऑल मुझे बहुत पसंद आया, इंटरेस्ट के साथ देखा, मज़े के साथ देखा मैंने। एंड यस, ये होती है आपका अचीवमेंट, मेहनत जो आपको सब कुछ दे के जाती है। कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, पसंद आया तो लाइक करके शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।